हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारी सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8 की। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने जो सातवां अध्याय है वो सौरभ सर से आपने पढ़ाई होगा और सौरभ सर ने काफी अच्छा पढ़ाया है। आज हम आपको त्रिकोणमिति का जो है लेक्चर स्टार्ट। हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8 अध्याय 8। स्टार्ट करने से पहले कुछ प्यारे बच्चों के अंदर डर होता है, एक प्रकार का डर बैठा होता है। त्रिकोणमिति सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं हार्ड है, केवल आपके मन का वहम है, उसको दूर कर लीजिए बस। आज हम कुछ फार्मूलों की चर्चा करेंगे जो कक्षा 10 में जो 3 अध्याय त्रिकोणमिति दी गई है उनको एकदम सरल कर देगा। अर्थात आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिसके सहारे, जिसकी सहायता से आप पूरे त्रिकोणमिति को जो है नष्ट कर डालोगे, अर्थात पूरे त्रिकोणमिति को एकदम दिमाग में भर लोगे। तो आज उन्हीं ब्रह्मास्त्र के बारे में चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि त्रिकोणमिति वास्तव में हार्ड है, आज हम देखते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को पाने के बाद त्रिकोणमिति कितनी हार्ड होती है। आपके साथ ही शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.1 की इसके नेक्स्ट वीडियो में, पर आज हम चर्चा करेंगे केवल ओनली फॉर ब्रह्मास्त्र, अर्थात क्या है वो चीज। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटी छोटी चीजों से, बेसिक की बात होगी आज। सबसे पहले अगर हम समझ लें कि त्रिकोणमिति क्या होता है तो प्यारे बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और वो जो त्रिभुज होते हैं उनमें तीन कोण बनते हैं। हम उन्हें तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तमाम प्रकार की चीजें देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहला शुरुआत होता है कि हमने बचपन में 8 की क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय भैया, ध्यान से देखिएगा जरा सा, पहला यही है आपके लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बोलता है भाई बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कोई बड़ा सा देश हो, बड़ा सा देश हो और वो बड़ा देश इतना ज्यादा शक्तिशाली हो कि वो दो देश उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सामने कोई ऐसा बड़ा सा बलशाली कोई व्यक्ति हो जाए और उसके सामने दो लोग हो जाए तो वो दो लोग कुछ नहीं कर सकते, अर्थात वो दो लोग उनके बराबर हो जाएंगे। तो भैया बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब आप इनको थोड़ा सा कम समझ पा रहे होंगे, आइए हम इनको समझते हैं एक त्रिभुज के माध्यम से। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए लगाया जाता है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ए बी सी में जो बी है वो आपका क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा का नाम जो होता है वो कर्ण होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी, यानी ये जो तीर है वो कर्ण को व्यक्त कर रहा है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और जो कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद जो खड़ी भुजा होती है, या ध्यान से देखिएगा, जो खड़ी भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
लंब कहते हैं। तो ये वाली जो भुजा होगी यहां पर वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बची भुजा होती है वो आधार हो जाती है। क्या हो जाती है? आधार। अब इंग्लिश में हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं? बेस। और कर्ण की इंग्लिश होती है हाइपोटेनस, क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक। उसके बाद लंब की इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी? ठीक। अब अगर हम इस त्रिभुज के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय लिखना चाहें तो बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस है ना, यानी कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष कौन बचा? लंब और आधा। तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। यही है भैया पाइथागोरस प्रमेय, यही है प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके सहारे काफी सवाल लगाएंगे हम प्रश्नावली 8 में। अब हम बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, उन 6 अनुपात के फार्मूले देख लेते हैं। तो आइए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो अगर कोई पूछा कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं तो बता दीजिएगा 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब उनका खास बातें क्या होती, आइए प्यारे बच्चों आपने अगर कहीं पर किसी टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा तो आपको एक ट्रिक बताया जाता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का, और अगर इसी का उल्टा कर दे कक्का बटे लाल, लाल और कक्का, कक्का और लाल, तो आपके जो अनुपात होते हैं वो मिल जाते हैं। अब यहां हम आपको बता दें जो L है वो लंब को बता रहे हैं, और जो A है वो आधार को बता रहे हैं, और जो K है वो कर्ण को बता रहे हैं। L फार यानी यहां लंब आपको समझना होगा, और A फार आपको आधार समझना होगा, और K फार जो है कर्ण समझना होगा। बाकी आप हर एक अनुपात का फॉर्मूला लिख लेंगे, आराम से ध्यान से लिखिएगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला अनुपात आता है साइन थीटा। साइन थीटा किसको बताता है? जब हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, यानी लंब और कर्ण का अनुपात कौन बताता है? साइन थीटा। तो लाल बटे कक्का से देखिए तो ये पहला जो पोर्शन है ये किसको बता रहा? साइन थीटा को, अर्थात एल बटे जो के होता है वो साइन थीटा को व्यक्त करता है। यहां हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर को संकेतिक रूप में पी लिख दिए और हाइपोटेनस लिख दिए, ठीक। अब आपके इस वाले सूत्र से लिख दें तो ये हो जाएगा एल बटे के, और इसकी हिंदी की बात कर ले तो लंब बटे क्या हो गया? कर्ण हो गया। अर्थात आप किसी भी भाषा में आप यहां याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, या पी बटे एच, या लाल बटे लंब बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण। यही है साइन थीटा का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे दूसरे अनुपात की। दूसरा अनुपात है कॉस थीटा। दूसरा अनुपात है कॉस थीटा। यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो दूसरा अनुपात ये है आधार बटे कर्ण, ए फार आधार, के फार कर्ण। तो आधार बटे जो कर्ण है वो किसको बताते हैं? कॉस थीटा को। किसको बताते हैं? कॉस। मतलब आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनस, और इसे हम बेस को बी लिख दें और हाइपोटेनस को एच लिख दें, और बेस को अब यहां हम लिख रहे हैं बेस बी, बी का मतलब आधार और एच, एच का मतलब कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण हो गया, और आधार को हम हिंदी में लिख दें तो आधार बटे क्या हो गया? कर्ण।
क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी? आप वहां से आराम से उसको बता सकते हैं ये कॉस हो गया। अब जो लास्ट होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस अनुपात को बताते हैं? टेन थीटा को, अर्थात लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? तो आइए हम उसको भी लिख लेते हैं यहां पर। ये आपका पहला अनुपात था, ये आपका दूसरा अनुपात है। तीसरा अनुपात क्या है? टेन थीटा बराबर है लंब, लंब है तो परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कौन है बेस है। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर को संकेतिक में P लिखते हैं और बेस को B लिखते हैं, ठीक। अब बताइए इसकी हिंदी है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लाल बटे कक्का से लिखना है तो एल बटे क्या लिख देंगे ए लिख देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार त्रिकोणमिति के तीन अनुपात पा लिए। अब जो अगले तीन अनुपात होते हैं ना वो जस्ट साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन के उल्टा तीन होते हैं। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आइए हम बात करेंगे किसकी, अब कोसेक की, किसकी बात कर लेते हैं कोसेक की या तो कॉटई का बात कर ले पहले। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से देखिए यहां बंद किए फिर यहां से आ गए। अब देखिए ये जो अनुपात है ये अनुपात कॉट थीटा को व्यक्त करता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसकी हिंदी लिख दिया जाए तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये कॉट थीटा को बताता है। आधार की इंग्लिश हम लिख सकते हैं बी और पी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला, अगला जो अनुपात है अगला अनुपात ये है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा होता है, कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा होता है। कर्ण को हम लोग ये हिंदी रूप लिख रहे हैं, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसकी सांकेतिक रूप एच बटे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला जो अनुपात है उसे हम कौशिक कहते हैं, क्या कहते हैं कौशिक कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कौशिक। तो अगली जो अनुपात आ जाएगी कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, के बटे एल, के बटे एल जो होगा यानी ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, इसे हम हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ये कौशिक थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ये त्रिकोणमिति के छह अनुपात हो गए, जो कि कहां से क्या फार्मूला आ रहा है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ये आपकी जो है ट्रिक है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे दूसरी फार्मूले की, कि जो इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि साइन कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं, नहीं जानते, जानते हैं। अब आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। त्रिकोणमिति, अब हम बातें करेंगे किसकी, कौन सी ब्रह्मास्त्र का, तीसरे नंबर ब्रह्मास्त्र का। त्रिकोणमिति के अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, त्रिकोणमिति के अनुपातों का गुणनफल, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे त्रिकोणमिति ले लेते हैं साइन और कौशिक का, साइन का उल्टा कौशिक था तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर एक होता है, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर अगला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है, फिर उसके बाद होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे आ रहा है, तो आइए हम इसका प्रसार कर देते हैं। उसको जानने से पहले ये कैसे आ रहा है एक चीज और आपको जानना होगा, वो अगली पॉइंट क्या है अभी हम उसको बता रहे कहां से आ रहा है, ये चीज जान लीजिए तब।
त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के व्युत के अनुपातों का व्युतक्रम, अनुपातों का व्युतक्रम मतलब उल्टा, इनमें व्युतक्रम क्या संबंध है वो समझिए। जैसे साइन को हम लिख सकते हैं वन अपान कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपान साइन थीटा। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, अर्थात साइन के स्थान पर हम ये उपयोग कर सकते हैं, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन का होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट, वन अपान कॉट थीटा। फिर अगर कॉट थीटा का उल्टा लिखना हुआ तो कॉट थीटा का हो जाएगा वन अपान टेन थीटा। फिर उसके बाद एक और बचा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा होता है वन अपान कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है वन अपान सेक थीटा। ये रहे इनके व्युतक्रम वाले संबंध, यानी ये इनका उल्टा, ये इनका उल्टा होते हैं। तो अब आइए हम आराम से यहां देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक, क्या साइन को हम वन अपान कोसेक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां साइन के स्थान पे वन अपान कोसेक रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं वन अपान कोसेक थीटा, ठीक, इंटू कोसेक थीटा है, इंटू कितना है कोसेक थीटा। ये कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा आपका, एक ही बचा ना, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है एक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, इसीलिए ये चीज लिखा गया, समझा ना। ऐसे ही इनका होता है, ऐसे इनका होता है। तो ये रहे त्रिकोणमिति के अनुपातों का व्युतक्रम, ये है त्रिकोणमिति के अनुपातों का गुणनफल। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे ब्रह्मास्त्र की अगले से। तो गाइस देखिए त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का जो अनुपात होता है वो होता है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा भी हो सकता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात अगर 90 में से कोई भी एंगल आप घटा रहे हैं तो वो साइन 90 में से अगर कुछ भी घटाएंगे कॉस ए में पहुंच जाएंगे, और कॉस 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो साइन में पहुंच जाएंगे। वही वो टेन के साथ होता है, टेन 90 में से कुछ घटाएंगे कॉट में पहुंच जाएंगे, कॉट में से कुछ घटाएंगे तो टेन में पहुंच जाएंगे, चतुर्थांश में रिलेटेड रहता है। फिर उसके बाद सेक 90 में से कुछ घटाया तो कॉसेक में पहुंच गए, कॉसेक 90 में से कुछ घटाया तो सेक में पहुंच गए, ये फार्मूले हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के सर्वसमिकाओं का अनुपात, त्रिकोणमिति के सर्वसमिकाएं, अनुपात नहीं त्रिकोणमिति का सर्वसमिका। तो त्रिकोणमिति के सर्वसमिका, अब जो ये हम लोग फार्मूले की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो आपके हाई स्कूल के इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, त्रिकोणमिति की सर्वसमिकाएं हटा दी गई है, परंतु आपको वही तो वही अध्याय ही समझ लीजिए कि पूरे प्रश्नावली 8 का जान है जिसे कह सकते हैं आप, उसी में तो कुछ है लगाने लायक, वही आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तब भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या हुआ, सीखेंगे पढ़ेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति के जो सर्वसमिकाएं हैं वो है, तो गाइस अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की सर्वसमिका की, तो तीन सर्वसमिकाएं होती हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और दूसरा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, या तो हम इसे दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है, तीसरा सर्वसमिका है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, ये इधर आ जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक। इन्हीं तीनों सर्वसमिकाओं पे प्रश्नावली जो आपका लास्ट वाला त्रिकोणमिति का है 8.3 की 8.4 वो उसी पे आधारित है। ये रहे, अब आपकी इस त्रिकोणमिति में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली है, पूरे प्रश्नावली 8 को आराम से आप लगाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब केवल एक चीज भूल छूट हो रहा, यहां छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, साइन 30 60 कॉस 90 ये सब जो त्रिकोणमिति के अनुपात कोणों के जो वैल्यू है वो हम इस आज की क्लास में नहीं बता रहे, उसका कारण है प्यारे बच्चों क्योंकि वो त्रिकोणमिति के जो वैल्यू है
वो आपके प्यारे सचिन सर के द्वारा क्लास में बताया जा चुका है। आप अगर वो वैल्यू वहां से जाके देख लें तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है, इसलिए मैंने वहां उसकी यहां पर चर्चा नहीं किया है। तो आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में या इस क्लास में बताए गए जितने सवाल है प्यारे सवाल सॉरी जितने सूत्र हैं सभी सूत्रों का अध्ययन आप जरूर कीजिएगा, और उसके बाद हमारे साथ हम आपके साथ प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे 8 को अंत भी कर डालेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं उत्पन्न होने देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।